सर ओटीपी बता दीजिए। हाँ 91। एक मिनट, ये वॉलपेपर पे तुमने किसकी फोटो लगा के रखी है? सर ये तो मेरी बीवी है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैंने इसकी फोटो वॉलपेपर पे लगा रखी है। ये तुम्हारी बीवी है? ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये मेरी बीवी है, आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? देख भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और तू सच सच बता तेरे फोन में फोटो कहाँ से आई इसकी? साहब मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज कम से कम मेरी बीवी के बारे में ऐसा मत बोलिए। अभी मैं उससे ही मिलने जा रहा हूँ, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ चलो। भाई तो रुकना मैं भी आता हूँ। ठीक है। हे, मैंने तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करवाया? नहीं नहीं मैं अभी बस अभी ही आई हूँ। ये इसने सही नहीं किया मेरे साथ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा बेबी वो ना अपने घर पे हमारी शादी की बात करो ना, ऐसे बाहर मिलो ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कब बात करोगी? हाँ मैं पापा से जल्दी ही बात करूंगी। हेलो भैया। अच्छा बेबी तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ? अरे ये पूछे क्या नहीं हुआ, आपकी बहन मेरे साथ शादी करके किसी और के साथ रंगलीला मचा रही है। अरे भैया बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक काम करिए आप यहाँ गोल्फ सिटी वाले पार्क में आ जाइए और देख लीजिए आपकी बहन किसके साथ बैठी रंगलीला मचा रही है। क्या बकवास कर रहा था मेरी बहन के बारे में? बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, वो देखो अपनी बहन मुझे छोड़ के किसी और के साथ बैठी है और रंगलीला मना रही है। यहाँ पे क्या कर रही है? अब इसको मैं बताता हूँ। हाँ चलिए। रामसी यहाँ क्या कर रही हो तुम? और ये लड़का कौन है? भैया आप दोनों यहाँ? इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे थे, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? आखिर क्या मिला तुम्हें? मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। तुम मेरी पत्नी थी, कम से कम इतना लिहाज तो कर लेती, तुमने मुझे धोखा दे दिया। अरे अंशी तुमसे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसी निकलोगी, तुमने समाज में मेरी नाक कटवा कर रख दी है, अब मैं इनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? बस करो आप लोग, कब से आप दोनों कह जा रहे हो मैं सुने जा रही हूँ। आपको पता है मैंने ये सब क्यों किया? ये मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था, ये मुझे मारता था पीटता था, और फिर मेरी लाइफ में रियाज आया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझे बहुत खुश रखेगा। भैया ये झूठ बोल रही है, मैं भला इसे क्यों मारूंगा, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे चुप करो तुम, मुझे पता है कौन तुमसे प्यार करता है और कौन नहीं। वो बेचारा तो अपने वॉलपेपर पे तुम्हारी फोटो लगा के घूमता है और तुम बोलती हो कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, और वैसे भी तुम प्यार के लायक नहीं हो, जो अपने पति की नहीं हुई वो किसी और की कैसे हो सकती है। और तुमने सिर्फ मुझे नहीं अपने पति को भी धोखा दिया है, तुमने भरोसा तोड़ा है मेरा। अरे मैंने तो सोचा था तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन नहीं मैं गलत था, तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं। और हाँ याद रखना जिंदगी में मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना, जा रहा हूँ मैं। रियाज रियाज अरे हम इतनी बात तो सुनो। बस करो मोहतरमा बहुत ज्यादा हो गया, अब सुनने और सुनाने को बचा ही क्या है। मैं तो तुम्हें मारता हूँ ना, ठीक है मैंने तुम्हें आज से आजाद कर दिया, और ना मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दे दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। चलो भैया